हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज की रेसिपी है दही फुल्की की रेसिपी। ये दही फुल्की सुपर टेस्टी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। इस दही फुल्की को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप इसे रमजान में इफ्तार के लिए फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये दही फुल्की सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही ज्यादा चटपटी और टेस्टी रेसिपी है ये। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले हम दही फुल्की का लहसुनी मसाला बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियाँ, 3 सूखी हरी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा है। 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसका जो पेस्ट है बनाकर तैयार कर लिया, इसे एक तरफ रखेंगे। दूसरी तरफ ये 500 ग्राम दही है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खट्टा वाला दही लिया है। दही को इस तरह से अच्छे से फेंट कर इसे हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से फेंट लेंगे। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून मसाला, जो कि हमने पीस कर तैयार किया था। ये 1 टीस्पून सफ़ेद नमक है और इसमें 1 टीस्पून काला नमक भी ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मसाले को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुनी मसाले का जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया, इसका जो टेस्ट है वो दही फुल्की में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 500 ग्राम दही के लिए मैंने यहाँ पर 300 ml पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे दही में। दही और पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं इसे आपको दोबारा चलाकर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जो दही है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला, तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर ले। इसे हम एक तरफ रख देंगे। दूसरी तरफ एक बर्तन में 1 कप यहाँ पर हम बेसन लेंगे। बेसन में थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून या हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी यहाँ पर बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे और 3 हरी मिर्च को कट करके इसमें ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुनी मसाला भी ऐड करेंगे, जो हमने पीस कर तैयार किया था। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। अब इसके बाद हम लेंगे 1 कप पानी। पानी यहाँ पर एक साथ आपको ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और फुल्की का जो बैटर है वो हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसे हाथों की मदद से अच्छे से इस तरह से फेंट लें। ये देखिए, यहाँ पर जो फुल्की का बैटर है वो बनकर तैयार है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना पतला। इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट बाद एक पैन में तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फुल्की को इस तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते जाएं और फुल्की बनाकर तेल में इस तरह से ऐड करते जाएं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी फुल्कियाँ तेल में ऐड कर दी है। यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक फुल्कियों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद जो इसका कलर है काफ़ी चेंज हो चुका है। इसे हम अच्छे से इस तरह से चला देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल्कियाँ काफ़ी अच्छे से एकदम फूली फूली बनकर तैयार हुई हैं। फुल्कियों को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, इसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट और। फुल्कियों को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके। ये देखिए, एकदम गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम इसे यहाँ नहीं फ्राई करेंगे। इसे हम एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी अच्छे से निकल जाए। फुल्कियाँ काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसे इसी तरह से 30 सेकंड रखेंगे। 30 सेकंड के बाद एक बर्तन में हम नॉर्मल पानी लेंगे और इस पानी में हम सारी फुल्कियाँ ऐड कर देंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा दबा देंगे। फुल्कियों को यहाँ पर 10 मिनट के लिए हम पानी में भिगो देंगे। ऐसा करने से फुल्कियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। 10 मिनट हो चुके, फुल्कियों को पानी से निकाल लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे इस तरह से हल्के हाथों से निचोड़कर दही में हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर सारी फुल्कियों को पानी से निकाल कर दही में ऐड कर दिया है। अब इसको यहाँ पर हम अच्छे से चलाएंगे। ये देखिए, अभी से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं। यहाँ पर दही बहुत ही ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला। ये देखिए, इस तरह से हम बनाकर तैयार करेंगे। दही फुल्की को एक हम दूसरी डिश में निकाल लेंगे। इसके बाद हम दही फुल्की का टेस्टी तड़का बनाकर तैयार करेंगे। एक पैन में 4 टेबल स्पून तेल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को यहाँ पर अच्छे से 1 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्चें, जिसे बीच से कट कर लिया। इसको भी 1 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट बाद इस तड़के को फटाफट हम दही फुल्की में ऐड कर देंगे। तड़के को दही फुल्की में अच्छे से इस तरह से फैला देंगे।
अब तड़के को एक चम्मच से अच्छे से सारी दही फुल्की में हम मिक्स कर देंगे। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से इस दही फुल्की को बनाएंगे तो सभी आपकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने वाले हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज्यादा चटपटी और सुपर टेस्टी दही फुल्की बनकर तैयार है। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी ज्यादा सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है। तो आप भी इसे बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।